अनूपपुर जिले में मुख्यमंत्री की सभाएं, शिवराज सिंह ने कहा राहुल गांधी और उनकी टीम मिसगाइडेड मिसाइल। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। अनूपपुर जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ताबड़तोड़ दौरा जारी है। मुख्यमंत्री एक हफ्ते के अंदर ही शुक्रवार को दूसरी बार सीएम अनूपपुर जिले के दौरे पर रहे। सीएम ने यहां चचाई में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दोहरे चरित्र वाली पार्टी है। कांग्रेस ने किसानों को डिफॉल्टर बना दिया, बेरोजगारी भत्ता की जगह पर बकरी चराने की योजना बनाई। नीतीश कुमार ने माँ बहन के बारे में क्या बोला। दिल्ली में यह उद्योगपतियों का विरोध करते हैं, जबकि उद्योगपति कमलनाथ को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बना देते हैं या भ्रष्टाचार की बात करते हैं, और छत्तीसगढ़ में सबसे भ्रष्ट भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और उनकी टीम मिसगाइडेड मिसाइल है। उन्होंने महिलाओं की बेइज्जती की एवं सारी योजनाएं बंद कर दी थी। कमलनाथ आए तो योजनाएं कर देंगी बंद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोतमा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी दिलीप जायसवाल के पक्ष में बुजुर्ग हनुमान मंदिर के पास जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कार्यकर्ताओं से आप भाजपा सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को बताए, कमलनाथ सरकार में आए तो यह सभी योजनाएं बंद कर देंगे। सीएम ने अनूपपुर जिले में 10 सीएम राइज स्कूल खोलने की बात कही। सीएम दोपहर करीब 11:25 पर बिजरी हेलीपैड नगर पालिका रेस्ट हाउस के पास कोरजा रोड पहुंचे। इसके बाद 11:30 हनुमान मंदिर के पास दिलीप जायसवाल के पक्ष पर जनसभा को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं को हाथ लगाया तो मामा चुप नहीं रहेगा। कोतमा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, इसमें कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारने की बात कर रहे हैं। वो इस बात को याद रख लें कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता को अगर आंख उठाकर भी देखते हैं तो ये आपका मामा चुप नहीं रहेगा। मामा का बुलडोजर तैयार खड़ा है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उसमें कोतमा से कांग्रेस के उम्मीदवार सुनील सराफ वोटरों को धमका रहे थे, लाडली बनने से छूटी महिलाओं को भी देंगे लाभ। सीएम ने कहा कि मेरी लाडली बहनें जो अब 21 साल की हैं, उन्हें अभी तक लाभ नहीं मिलता था, अब उन अविवाहित को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभी तक लगभग 1,32,00,000 महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। जो बहनें अभी बाकी हैं उन्हें भी ये लाभ मिलेगा। अपनी बहनों को लखपति बना दूंगा, अभी तो 1,250 दे रहा था, अगर भाजपा की सरकार आएगी तो इसको बढ़ाकर 3,000 तक ले जाएंगे। और 1,250 ही थोड़ी आएगा, पैसे की जुगाड़ में लगाऊंगा, अभी चिंता काय को करते हुए। जैसे ही इंतजाम होता जाएगा बढ़ाता जाऊंगा। 1,250 से 1,500, 1,750, 2,000, 2,250, 2,500, 2,750 और फिर कितने करूंगा? जोर से बोलो ना, काय को डरते, कितने करूंगा? अभी कांग्रेस ही बड़े परेशान है कि मामा मेरी शिकायत कर रहे हैं चुनाव आज, मुझे तो पैसा डाल रहे हैं, रोको 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 रोको। अरे मुझे कोई नहीं रोक सकता अपने भाई बहनों की मदद करने से, मानेंगे। और किसान भाइयों, 1,250 अगर बहनों को मिल रहा है तो 1,000 अपन को भी तो मिल रहे हैं। अब ये भी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े और बढ़ाए, इधर उधर की सब्सिडी खत्म करके सीधे किसानों के खाते में पैसा डाल दो तो किसान अपना काम आप कर लेगा। बोलो सही बात है कि नहीं? और रसोई गैस का सिलेंडर 450 में ही मिलेगा, भैया इनका इंतजाम करेगा। और बिजली के जिनके बड़े बड़े बिल आ गए हो, चिंता मत करना, बड़े बिल मैं भरवाऊंगा। तुम्हारे पास अब 100 रुपया महीना का बिजली का बिल नई सरकार बनने के बाद आएगा। और मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी पढ़ाई के लिए बेहतर व्यवस्था है, जैसे सीएम राइज स्कूल, अरे अरबपतियों के बच्चे, अरे अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े सेठ कमलनाथ के, और हमारे टूटे फूटे में पढ़े नहीं, अच्छे स्कूल बनाएंगे। सीएम राइज स्कूल, एक एक की बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपया की, प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल बनाएंगे। और देव सिंह जी और संपतिया जी, अभी का मन रहा है सीएम राय चिराई नौकरी में, मैं 10 सीएम राय स्कूल बनाऊंगा, हर 25 गांव के बीच में एक। कई चीजें है, देखो कांग्रेस ने मेरी सब योजनाएं बंद कर दी, इनने संबल योजना बंद कर दी थी, इनने बेगा भारिया सहरिया बहनों के खाते में पैसा बंद कर दिए थे, इन्हें बेटियों की शादी बंद कर दी, कन्याओं के खाते में पैसा नहीं डाले, इन्हें तीर्थ यात्रा बंद कर दी, मैं बच्चों को लैपटॉप देता था, मेरे बेटा बेटियों के लैपटॉप इन्हें छीन लिए, इन्हें तो छीनने का कार्य काम किया। ये छीनने वाले लोग हैं,
अभी लुहावने वादे करके आएंगे, राहुल बाबा आज मध्य प्रदेश आए हो, तुम तो दोहरे चरित्र वाले हो, तुमने कहा किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों को तुमने डिफॉल्टर बना दिया, तुमने कहा उद्योगपतियों को दिल्ली में बैठ के गाली देते हैं और यहाँ उद्योगपति सेठ कमलनाथ को सीएम का फेस तुमने बना दिया, तुम नारी के सम्मान की बात करते हो लेकिन तुम्हारे नेता रोज माता बहन और बेटी का अपमान करते हैं नीतीश कुमार जैसे, और तुम्हारे मुंह में ताला डला रहता है, तुम कुछ बोलते नहीं हो, तुम भ्रष्टाचार पे बात करते हो लेकिन भूपेश बघेल जैसे भ्रष्ट मंत्री के मुख्यमंत्री के गले में बाहें डाल के घूमते हो, तुम तो मिसगाइडेड मिसाइल हो, कभी किसी के लिए तुमने कुछ नहीं किया। और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, मेरे बहनों और भाइयों दिल से बताना, आज हृदय पे हाथ रख के बताना, आपको मुझ पर विश्वास है तो सुनो, इस बार किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है, सरकार है, लेकिन याद रखना ये सारी योजनाएं जब 7.5 साल कांग्रेस का राज आया था तो कांग्रेस ने बंद करके रख दी थी, संबल योजना बंद कर दी, बच्चों की साइकिल छीन ली, बच्चों को लैपटॉप देते थे वो छीन लिए, तीर्थ दर्शन इनने बंद कर दी, बुजुर्गों की, मैं बुजुर्गों को तीर्थ ले जाता था, कांग्रेस ने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, अब तीर्थ दर्शन योजना फिर चालू, अब केवल रेल से नहीं हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा, चिंता मत कर। लेकिन याद रखना ये कांग्रेस, ये कमलनाथ, ये योजनाएं बंद करने वाले हैं, बंद करने वाले। मेरी बहनों अगर भूल के भी कांग्रेस आ गई तो न लाडली रहेगी न बहना रहेगी, सब योजनाओं पर ताला लगा देंगे। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, बताओ मेरे भाई और बहनों, मैं आज बिजूरी में आपसे पूछ रहा हूं, जरा दिल से मुझे बताना, मैं अच्छा काम कर रहा हूं कि बुरा, अच्छा कर रहा हूं कि ये सरकार फिर से आनी चाहिए कि नहीं, लेकिन आएगी तब जब दिलीप जायसवाल विधायक बनेगा, जब यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि विधायक ही मुख्यमंत्री बनाते हैं। इस बार कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, मुझे पता चला है कि कांग्रेस के उम्मीदवार धमका रहे हैं कि हमें वोट नहीं दिया तो देख लेना। मैं आज साफ कह रहा हूं, अगर मेरी जनता की तरफ उंगली उठी और आंख उठा के भी देखा तो याद रखना मामा का बुलडोजर भी तैयार रहता है। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।